वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स ये देखिए ये हम गर्ल्स टॉप बना रहे हैं तो इसको हमने मोटी बूल के साथ बनाया है तो यहाँ पर हमने देखिए ये वर्धमान की वूल यूज की है ये वर्धमान की आ, ओ, फैदर वूल है ये थोड़ी सी ये देखिए मोटी रहती है इस तरह से ये वुल आती है और दो ग्राम में ये एक जो है वो बॉल आता है तो 200 ग्राम का हमारा ये एक बॉल है और यहाँ पर हमने इसके तीन बॉल जो है वो यूज किए हैं ये थोड़ी सी हैवी रहती है इसलिए ये हमने बनाई है जो इसके लिए हमारे 600 ग्राम वूल लगी है और हमने इसे लूज टॉप को बनाया है थोड़ा सा लूज टॉप जो होता है उसको हमने बनाया है तो इसके लिए हमने जो नीडल यूज की है वो देखिए ये हमने सिक्स नंबर ये देखिए सिक्स नंबर नीडल यूज की है तो यहाँ पर हमने ये नीचे से ये इसका बैक पार्ट है नीचे से हमने ये इसका राउंड बॉर्डर बनाया है बैक पार्ट में और अपर पार्ट का बॉर्डर हमने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके बताऊंगी तो यहां पर हमने ये राउंड बॉर्डर बनाया है तो अब मैं आपको ये बॉर्डर बनाना बताऊंगी और उसके बाद मैं इसकी लेंथ आपको बता दूंगी कि कितनी हमने रखी है तो यहाँ पर हमने जो स्टिचेस रखे हैं वो 68 यानी कि 68 फंदे हमने इसके 68 फंदे इसके रखे हैं नीचे से और चार रॉ इसकी सीधे उल्टे फंदों के साथ हमने बॉर्डर की बनाई है सीधा और उल्टा सिंपली बॉर्डर बनते हुए इसकी हमने चार रॉ बना ली है जब पांचवी रॉ में, में आए तब हमने ये राउंड बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया है तो मैं आपको इसकी लेंथ भी बता ही देती हूँ तो देखिए यहां पर हमने इसकी जो लेंथ है इसका बॉर्डर बनाने के बाद राउंड बॉर्डर बनाने के बाद जो लेंथ है वो देखिए यहां पर हम जहां से हमने इसकी कंधे की शोल्डर की कटिंग की है वहां से लेकर ये यह देखिए यहां पर अप्रोक्स हमने थर्टी फाइव सेंटीमीटर थर्टी फाइव सेंटीमीटर और पौने चौदह इंच इसकी लेंथ रखी है क्योंकि सेंटर में भी जो इसकी लेंथ रहती है वो थोड़ी सी डीप ही हो जाती है तो देखिए यहां पर हमारी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है सेंटर में तो ये मैं आपको दिखा देती हूं कि अप्रॉक्स हमारी ये देखिए सेवनटी सेवनटीन इंचज जो है वो इसकी लेंथ सेंटर से है अप्रोक्स सेवनटीन इंचज हैं और तैतालीस सेंटीमीटर है तो यहां पर हमने ये जो लेंथ है ये मैंने आपको बता दी है कि पौना पौने चौदह इंच इसकी लेंथ साइड से हमने रखी है उसके बाद हमने इसकी शोल्डर की कटिंग की है तो शोल्डर की कटिंग करने के बाद हमने जो इसका शोल्डर बनाया है उसकी भी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ तो अप्रॉक्स हमने इसका जो शोल्डर है वो आठ इंच तक बनाया है अप्रोक्स ये साढ़े बीस सेंटीमीटर इसका जो शोल्डर है वो हमने बनाया है और शोल्डर की कटिंग के लिए हमने जो इसके फंदे की कटाई की है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर मोटी वूल होने के कारण ये देखिए इसकी हमने थोड़े ही फंदों की घटाई जो है वो करनी होती है तो फिर भी हमारी परफेक्ट ये गुलाई आ जाती है साइड में तो थोड़ा सा ये लूज जो ऊपर से लूज हमारा जो इसका तीरा रहता है वो थोड़ा सा इस पैटर्न में हम लूज ही बनाएंगे तो यहां पर हमने इसकी घटाई जो है तीन दो एक की की है तीन दो एक की घटाई की है तो टोटल हमने सिक्स फंदे एक साइड में घटाए हैं और सिक्स फंदे दूसरी साइड में हमने इसके कम किए हैं तो टोटल हमने बारह फंदे इसके जो है वो कम किए हैं तो अब हम इसका ये बनाना सीखेंगे नीचे से इसके राउंड बॉर्डर को आज बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इसका राउंड बॉर्डर जो है वो बनाया जाता है तो इसका राउंड बॉर्डर बनाने के लिए आपने क्या करना है आपने जितने भी इसके फंदे लेने हो, तो आप थोड़े से कम ही इसके फंदे रखेंगे तो ये काफी तो बाईस फंदे इस बाईस फंदे ही दूसरी साइड में इसके छोड़े हैं और सेंटर में हमने इसके चौबीस फंदे लिए हैं तो जितने भी फंदे रहते हैं उसका हम तीन से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे हम जितने भी फंदे हैं उसको तीन से डिवाइड करेंगे तो तो हमारे अगर हम 22 को तीन से डिवाइड करेंगे तो 66 फंदे आएंगे प्लस दो फंदे हमने एक्स्ट्रा रखने हैं वो हम सेंटर में इसके दो फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो साइड में 22 बाईस फंदे रखेंगे सेंटर में हम इसके 24 फंदे रखेंगे तो इसी हिसाब से आपने इसकी डिवाइडेशन करनी है तो मैं आपको इसको बनाना सिखा देती हूं तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटा इसका मॉडल बनाया है ताकि आपको बता सकूं कि किस तरह से हमने इसको राउंड बॉर्डर को बनाया है तो पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये राउंड बॉर्डर बनता है लेकिन मैं थोड़ा सा इस पैटर्न को जो है वो आपको बनाना बता दूंगी तो यहाँ पर हमने ये साबुदाना पैटर्न डाला है तो देखिए इस तरह से ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न दिखाई देता है तो वैसे तो ये आप इसको प्लेन सीधे और उल्टे फंदों के साथ ही बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर साबुदाना पैटर्न डाला है थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए तो ये देखिए यहां पर हमने ये चार रो इसकी बॉर्डर की नीचे से बना ली है अब हम सेंटर में यहां पर हमने जो फंदे रखे हैं वो तीस फंदे रखे हैं तो तीस को अगर हम तीन के साथ डिवाइड करेंगे तो दस दस फंदे आएंगे लेकिन सेंटर में हम दो फंदे ज्यादा रखेंगे तो हमारे सेंटर में जो है वो बारह फंदे आएंगे साइड में नौ नौ फंदे आएंगे तो इस हिसाब से हम इसको घटाई करेंगे तो देखिए अब हमने क्या करना है अब हम ये चारों हमने बॉर्डर की बना ली है तो पांचवी रॉ में आ गए सीधी साइड में तो अब हम यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट करेंगे इसे फर्स्ट रॉ हम काउंट करेंगे फर्स्ट रॉ हमारी ये है अब इसमें हमने साबुदाना पैटर्न डालना स्टार्ट करना है तो साबुदाना पैटर्न कैसे डालता है ये देखिए ये जैसे एक फंदा उल्टा है इसको उल्टा बनाएंगे तो ये नीचे हमने सीधे उल्टे का ही बॉर्डर बनाया हुआ है इसलिए इसको हम शफल कर देंगे सीधा फंदा यहां पर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा ये हमारा जो पैटर्न है ये हर रॉ में सीधी और उल्टी रो में दोनों साइड में ये चेंज होता रहता है तो सीधी साइड में हम ऐसे बनाएंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा तो ऐसे ही हम इसको बुनते हुए 21 फंदे 21 फंदे हम बुन लेते हैं साबुदाना पैटर्न के साथ तो साइड में हम नौ फंदे इसके रख लेंगे दूसरी साइड का पैटर्न जो हमने डिवाइड किया था दो चार छ आठ और नौ तीन फंदे और बना लेते हैं ये देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चार छ आठ और नौ फंदे इस साइड के रह गए हैं यहां तक हमने इसके इक्कीस फंदे बुन लिए हैं अब हमने क्या करना है यहीं से हम टर्न करेंगे और टर्न करके अब हम इसके बारह फंदे बुनेंगे तो यहां पर हमारा ये देखिए सीधा फंदा है इसके ऊपर हम उल्टा फंदा बनाएंगे इसको सीधा नहीं बुनेंगे सीधे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा उल्टे फंदे के ऊपर सीधा फंदा ये देखिए दो फंदे हो गए बारह फंदे बुनेंगे तीन उल्टा फंदा है सीधा फंदा बुनेंगे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे बुन लिए इस साइड में भी दो चार छः आठ और नौ फंदे हमारे रह गए हैं तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर हमने बारह फंदे बुन लेने हैं साथ में एक फंदा और इसका ज्वाइन करेंगे तो धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये देखिए धागे को सॉरी आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को स्लिप कर लेंगे स्लिप करके इस फंदे को उतार लेंगे यहीं से अब हम टर्न करेंगे तो अब हमने क्या करना है ये फंदे जो हैं इनको हम साबुदाना पैटर्न के साथ ही डालेंगे तो अब ये फंदा उल्टा है ये फंदा हमारा ये देखिए यहां पर अब सीधा बने बनेगा ये सीधा फंदा धागा आगे करेंगे सॉरी इसको स्लिप कर लेंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे अब ये उल्टा फंदा है इसको सीधा बुनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बारह फंदे बोल लेंगे एक फंदा धागा पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे तो एक फंदा यहां से हमने ज्वाइन कर लिया एक फंदा यहाँ से अब यहीं से फिर से टर्न करेंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे इसको स्लिप करेंगे इसको बुनना नहीं है अब ये हम बारह प्लस एक फंदा हमने जो इसके साथ एडजस्ट किया था नेक्स्ट वाला वो 13 फंदे टोटल हमारे पास तेरह फंदे हैं इनको हम बना लेंगे साबुदाना पैटर्न के साथ साबुदाना पैटर्न उल्टे फंदे पर सीधा फंदा सीधे फंदे पर उल्टा फंदा बनाते हुए ये देखिए यहां पर दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब इसको बुन बुन कर लेंगे तेरह और देखिए धागा आगे ही इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे एक फंदा हम और साथ में ऐड करेंगे हर बार एक एक फंदा दोनों साइड में ऐड करते हुए जाएंगे सीधी साइड में आ गए हैं धागे को पीछे लेकर जाएंगे इसको स्लिप कर लेंगे अब हम इस साइड में तेरह प्लस एक फंदा ये वाला चौदह फंदे बुनेंगे धागा आगे लाएंगे साबुदाना पैटर्न डालेंगे उल्टा सीधा दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह चौदह फंदे बुन लिए अब धागे को आगे लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे तो फिर से यहीं से टर्न करेंगे अब धागा आगे लेकर आएंगे और स्लिप किए फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे और धागा पीछे लेकर जाएंगे यहां से रिपीट पैटर्न फिर से स्टार्ट कर लेंगे एक फंदा सीधा वन अब हम पंद्रह फंदे बनाएंगे साबुदाना पैटर्न के साथ दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह फिर धागा आगे लाएंगे एक फंदा वाइज स्लिप करेंगे तो हर बार एक एक फंदा हम इसके साथ ऐड करते हुए जाएंगे फिर से यहीं से डन करेंगे धागा आगे लाएंगे ये फंदा स्लिप कर लेंगे बाकी के फंदे ये देखिए एक फंदा सीधा एक उल्टा साबुदाना पैटर्न डालते हुए इसको हम बना लेंगे तो अब हम सोलह फंदे बुनेंगे ये देखिए ये वाला फंदा हमने लिया फिर दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह धागे को ऐसे पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा स्लिप कर लेंगे फिर से यहीं से टर्न करेंगे ये स्लिप करेंगे धागा आगे लेकर आएंगे अब सत्रह फंदे बुनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ये देखिए सत्रह फंदे हमने बुन लिए एक फंदा फिर से स्लिप करेंगे और यहीं से टर्न करेंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे ये फंदा स्लिप कर लेंगे अब एटीन फंदे बुनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन फिर से धागा आगे लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे यहीं से टर्न करेंगे नाइनटीन फंदे बुनेंगे एक सीधा वन उल्टा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन धागा आगे लेकर आएंगे स्लिप करेंगे टर्न करेंगे यहीं से अब देखिए इस स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे अब हम बीस फंदे सीधे बनेंगे वन टू तो, थ्री

धागा पीछे इसको स्लिप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप जितने भी नीचे ये देखिए राउंड इसका चाहते हो उतने ही ये एक एक फंदा आप बुनते जाइए अगर आपको ये देखिए जितनी भी आपकी राउंड कंप्लीट हो जाएंगी ये उतना ही ये डीप होता जाएगा अगर आप चाहते हैं कि इतना ही आप रखें आगे नहीं बुनना चाहते तो यहीं से आप इसको आगे क्लोज कर सकते हैं तो आगे आप सीधा सीधा इसको बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर जो कार्डिगन बनाया है इसमें भी ऐसे ही किया है तो इतनी डीपनेस देखकर यहाँ पर चार चार फंदे जो हैं साइड में मैंने रख लिए और फिर उसके बाद इसको मैंने सीधा ही बना लिया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो फंदा है इसको सीधा बुनेंगे सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा ये देखिए ये मैंने बना लिया फिर इस सारी रॉक को हम यहां तक बना लेंगे साबुदाना पैटर्न के साथ ही धागा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा ये ऐसे बुनते हुए इस सारी रॉ को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे एक बंदा सीधा एक बंदा उल्टा साबुदाना पैटर्न डालते हुए इसको हम बना लेंगे तो आप जितनी भी डीपनेस चाहते हैं वो अपने हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं तो उतना ही आप इसको बुनते जाएंगे तो उतना ही ये डीप होता जाएगा जितना आप चाहते हैं तो जहां पर आपको लगे कि मैंने इतना ही रखना है तो वहां से आप फिर इसको इस तरह से बना दीजिए तो आपकी परफेक्ट राउंड शेप जो है वो बन जाएगी सीधा और लास्ट का बंदा उल्टा तो ये देखिए यहां पर हमारी इस तरह से ये शेप जो है वो आएगी बनकर ये देखिए ऐसे ही हमने इसे कार्डिगन में भी जो हम बना रहे हैं गर्ल्स ट्रॉप उसमें भी हमने बनाया है बैक साइड में तो इतना हमने बना लिया है तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फ्रंट जो है उसका बॉर्डर आपको बनाना बताएंगे तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलें तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय फ्रेंड